हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी अनदर व्लॉग। समय हो रहा है 11:30। तो रही बात दिनचर्या की, ठीक है अभी घर परिवार में सब, उतनी घबराने वाली कोई बात नहीं है। बस खाली अब जो ज़्यादा दिक्कत है कफ की प्रॉब्लम है। डॉक्टर से कंसल्ट किया है, वो बोल रहे हैं कि इट विल टेक नियर अबाउट 15 डेज टू गेट प्रॉपरली, मतलब सही होने के लिए। बच्चे का थोड़ा सा दिक्कत है क्योंकि बच्चों का रिकवरी थोड़ा सा लेट होता है और एजड बंदों का। मम्मी की थोड़ी सी सीरियस है कंडीशन, हो जाएगा, जल्दी ठीक हो जाएगा, उतना कोई वो नहीं है डॉक्टर के अकॉर्डिंग घबराने वाली बात। लेट्स होप कि सबसे जल्दी सही हो जाए। वाइफ को कल पूरा डे केयर में रखा था, आज फिर इवनिंग में डॉक्टर के पास लेके जाना है। हो जाएगी, वो भी जल्दी रिकवर कर लेगी। वैसे आप लोग बताइए, आप लोग कैसे हो? सब बढ़िया ही होगा। और थोड़ा सा आप लोग भी सावधानी रखें। अगर 2 दिन से ज़्यादा बुखार है या सर्दी बुखार खांसी दोनों है, गले में दर्द है, तो इमिडिएटली डॉक्टर के साथ कंसल्ट करें। इसमें कोई वैसी घबराने वाली बात नहीं है कि कोरोना वाला सिम्टम्स कोरोना दिखा देगा डॉक्टर, ऐसा कोई बात नहीं है। बट लेकिन इग्नोर ना करें इसको भी, क्योंकि पटियाला में मैं हॉस्पिटल में जो जितने भी पेशेंट आ रहे हैं, मैक्सिमम सब इसी टाइप के वायरस से ग्रसित हैं। कभी कभी मैं शुद्ध हिंदी बोल देता हूँ। और अभी मैं जा रहा हूँ एक और मेडिसिन लेने, हॉस्पिटल में था वहाँ मिला नहीं। एक्चुअली ये एक स्पेशलिस्ट है कफ एंड कोल्ड के, हिज गुड नेम इज डॉक्टर नागरा। पहले यहाँ पे पटियाला के जो मेन डिस्पेंसरी है वहाँ पे वो बैठते थे, बट लेकिन नाउ ही ट्रांसफर टू अनदर लोकेशन कॉली, जो कि राजपुरा साइड में है, वहाँ पे उनका ट्रांसफर हो गया है एज ए CMO। तो मेरे लेफ्ट हैंड साइड में है पटियाला का जेल, ये बहुत पुराना जेल है और अभी इसकी रिपेयरिंग चल रही है, फेंसिंग वगैरह दोबारा से इसमें सही किया है, प्लस वॉल वगैरह भी रिपेयर कर रहे हैं। मेन जेल है यहाँ का और मेरे राइट हैंड साइड में है पटियाला का थापर यूनिवर्सिटी, यहाँ से मेरे मामा जी ने भी पढ़ाई की है। हेलमेट लड़के सब, वेरी बैड वेरी बैड। ये रहा थापर यूनिवर्सिटी का मेन गेट। पंजाबी यूनिवर्सिटी इज डिफरेंट एंड थापर यूनिवर्सिटी इज डिफरेंट। पंजाबी यूनिवर्सिटी आपका राजपुरा साइड में है, ऑन द वे टू राजपुरा, राजपुरा साइड में नहीं बोल सकता, ऑन द वे टू राजपुरा। मेरे लेफ्ट साइड में यहाँ से निकल जाएगा
दुख निवारण गुरुद्वारा साहब, अभी हमें सीधा जाना है मॉडल टाउन हॉस्पिटल, सरकारी है हॉस्पिटल में नहीं, हॉस्पिटल के डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन दिया हुआ था, वो वहीं के ये रहा था अपर यूनिवर्सिटी। राइट लेंगे तो नाभा मलेरकोटला, सीधा जाएंगे तो संगरूर। आज क्या बात है, आज क्या बात है, ट्रैफिक पुलिस दिख रहे हैं यहाँ पे, जल्दी दिखते नहीं है। ये यहाँ का मेन मार्केट है पटियाला का, जितने बड़े ब्रांड, जितने बड़े ब्रांड नहीं बोल सकता, कुछ गिने चुने ब्रांड जो है वो यहाँ पे हैं, जैसे कि ये स्पोर्ट किंग। स्पोर्ट किंग की पूरी वेबसाइट की डिज़ाइन मेरे दोस्त ने की थी। मोहतरमा थोड़ा सा आराम से, लिवाइस स्पेक्ट्रम, लिवाइस भी अपना ब्रांड है जहाँ मैं काम करता हूँ, मतलब कि वहाँ लिवाइस की लॉयल्टी इंडिया एंड साउथ अफ्रीका की हम ही लोग रन करते हैं, बाटा ग्लोबल वी आल्सो हैंडल। फ्लाइंग मशीन आ रहा था बट अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट, बट वी आर ट्राइंग हार्ड टू गेट इट बैक। आई थिंक मैं थोड़ा सा आगे आ गया, मुझे यू टर्न मारना पड़ेगा। गलती से बात करते करते आप लोगों के साथ थोड़ा सा आगे निकल आया, मुझे वहीं से लेफ्ट राइट लेना था। वुडलैंड, वुडलैंड था पहले कैपलरी के पास में, लाइक द लॉयल्टी एंड रिवॉर्ड्स सर्विस वाज टेकन केयर बाय द कैपलरी, इवन आई वाज देयर आल्सो एक्स एम्प्लॉय ऑफ कैपलरी टेक्नोलॉजीज। एक्चुअली मेरे प्रॉपर जॉब की जो जर्नी है वो कैपलरी से ही स्टार्ट हुई थी, एंड आई लर्न लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम देयर, सो गुड एक्सपीरियंस विद द कैपलरी। कब वहाँ पे 4 साल निकल गए पता भी नहीं चला। इवन जहाँ अभी काम कर रहा हूँ यहाँ पे भी 8 साल हो जाएंगे पूरे, एंड वेरी गुड एक्सपीरियंस। The owner and directors are very good and humble. Whenever we ask anything, always ready to support. ऐसा कभी लगा नहीं कि भाई किसी और से जाके पता करो, मैं क्यों बताऊँ, वैसा कुछ फीलिंग कभी आई नहीं। अच्छा रहा एक्सपीरियंस। खाली दवाई लेनी है, दवाई ले लेता हूँ फिर मिलता हूँ। ये यहाँ का सरकारी हॉस्पिटल है मॉडल टाउन पटियाला, और मेन जो है वो है कौशल्या, माता कौशल्या हॉस्पिटल, एंड सेकंड जो सबसे बड़ा है वो है राजेंद्रा हॉस्पिटल जो इसी रूट पे पड़ता है ऑन द वे टू सगनूर। तो एक काम हो गया अपना, अब चलते हैं दूसरा काम करने। दूसरा काम है इम्पोर्टेंट, गाड़ी की सर्विसिंग, ब्लॉक पिस्टन का काम तो हो गया था बट एक काम रह गया था, वो है शॉक अब्स का। वो नहीं करवाया था, उसका रीज़न था कि यहाँ घर में तबीयत ख़राब हो गई थी, मुझे इमिडिएटली निकलना था, तो उसमें शॉकअप में लगता टाइम, और
रात के हो गए थे 11, तो हमने इसको आगे कैरी फॉरवर्ड करने का डिसीजन ले लिया। तो अभी हम चलते हैं इसका शॉक को रिपेयर कराते हैं। ये देखिए, मैं था वो सर्कल पे और ये सर, मैं हमेशा ये सर्कल में कंफ्यूज करता हूँ। कंफ्यूजिबल वाली बात भी है यार, यहाँ कहीं डायरेक्शन मेंशन नहीं है ना कि सीएचसी के हॉस्पिटल इस साइड है। यार थोड़ा वीडियो के कंटेंट के बारे में कुछ बता दिया करो यार, अच्छा बुरा जो भी है बता दो, मैं भी सीख रहा हूँ कम से कम। अगर नहीं अच्छा मतलब कि थोड़ा वीडियो की कंटेंट को थोड़ा इम्प्रूव करना है या एडिटिंग को इम्प्रूव करना है, कुछ भी यार, सही है तो सही बता दो, गलत है तो गलत बता दो। इट विल लाइक, जब तक आप लोग बताओगे नहीं तो मैं सीखूंगा कहाँ से। एक तो सेल्फ लर्निंग भी है अपना, प्लस आप लोग भी हमें सिखा सकते हो। मैं दोबारा से उसी रोड पे आ गया, रेड टैप ऑनलाइन आउटलेट, मतलब ऑनलाइन वाले सारे प्राइसिंग। अगर आप संगरूर साइड जा रहे हो तो आप लेफ्ट लोगे तो नाभा निकल जाओगे। हमें जाना है ऑन द वे टू दुख निवारण, यहाँ से 2 मिनट का रास्ता है। ये जो सामने दिख रहे हैं PCO, नहीं सॉरी PS, ये यहाँ का पुलिस स्टेशन है। स्टेशन मतलब कि स्टेशन मेन हाउस जो पुलिस स्टेशन है वो आपका दुख निवारण साइड है। डेवलप हो रहा है बट इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम टू डेवलप। यहीं पे कहीं नया पेट्रोल पंप बन रहा है। हाँ ये रहा न्यू पेट्रोल पंप जो रेडी हो रहा है। मोहतरमा का ऑफिस, सरकारी महकमा, सरकारी महकमे का ना रुतबा ही अलग होता है बट लेकिन कुछ लोग इसका नजायज फायदा उठाते हैं।
आपका अगर प्रॉपर सही हो जाए ना तो प्राइवेट की जरूरत ना पड़े मेरे हिसाब से, क्या बोलते हो? और मुझे पता है इस पे कमेंट्स आ सकते हैं, जरूरत क्यों नहीं है? अगर गवर्नमेंट अपना सही से काम करे ना तो बहुत कुछ हो सकता है, प्राइवेट स्कूल की जरूरत नहीं हो सकती है। अब आपको ही पता है प्राइवेट स्कूल कितना फीस चार्ज करते हैं, कमर तोड़ देते हैं कमर प्राइवेट हॉस्पिटल्स। और एक जितने बाबाएं हैं हमारे भारत देश में, इतने बड़े बड़े, ओ प्रावा किधर आई जना, इधर बढ़ जा, सॉरी मैं कहा था, हाँ बाबाओं के बीच में इतने बाबाएं हैं हमारे इंडिया में, अगर वो आश्रम बनाने की जगह हॉस्पिटल्स बना दें, स्कूल बना दें, निशुल्क इलाज, निशुल्क पढ़ाई, सोच के देखो कैसा होगा। मेरे भाई का इलाज उसी हॉस्पिटल में चल रहा था, मेडिकोर्स मेडिकेयर शायद, हाँ अच्छा डॉक्टर वालिया हम्बल पर्सन, पेशेंट के साथ जैसा ट्रीट करना चाहिए वैसे ट्रीट करते हैं। ये सामने दुख निवारण गुरुद्वारा साहब, मुझे जाना है लेफ्ट, और लेफ्ट में है हमारे सरहंद रोड। भाई साहब ने कैसे कैसे लगाई है गाड़ी, किन्ना पऊगा 1900 रुपये सेट आ, थोड़ा डिस्काउंट डिस्काउंट करके एमआरपी दे तो एमआर देख लो तुसी, थोड़ा जा कर दो, रेगुलर ग्राहक है महाराज, पक्का पक्का ना, थोड़ा जा 100-150 रुपये तक और कट कर दो, कोई दिक्कत अरे नहीं महाराज कर दो, कोई दिक्कत, एक बार देख लो जरा फिर भी। चलो भाई लोग सॉकअप का भी काम हो गया, थोड़ा सा खर्चा बैठ गया, बट लेकिन सही है। शोरूम में तो कुछ भी डिस्काउंट नहीं करते हैं यार, कम से कम यहाँ लोकल में तो जेन्युइन पार्ट्स पे भी डिस्काउंट हो जाता है। नारेबाजी के चक्कर में सारी रूट डाइवर्ट की हुई है,
चीज की नारेबाजी हो रही है भाई। बठिंडा रोड ये लीला भवन, यहाँ का मेन मार्केट में जो मैंने पहले बताया था हार्डसो रोड बोलते हैं इसको। भाई बुलेट ने इस बार बहुत खर्चा करा दिया मेरा। चलो कोई बात नहीं, मांगा था, मांग भी रहा था खर्चा। अब सिर्फ एक काम बच गया, वॉशिंग का भी काम करना है। सॉकर तो ओरिजिनल है बट लेकिन इसके सस्पेंशन उतने कारगर नहीं है। और लोकल वाले का जो लोकल सॉकर है उसके सस्पेंशन कारगर है बट उसमें लीकेज प्रॉब्लम भी ज़्यादा रहती है। लेकिन जल्दी से ही लीकेज प्रॉब्लम उसमें स्टार्ट हो जाती है 3-4 महीने के अंदर। दोनों के अपने मेरिट भी हैं और डिमेरिट भी। सो आई प्रेफर्ड जो लॉन्ग लास्टिंग है उस पे। मुफ्ती ये ब्रांड भी मैं नहीं देखता हूँ। ज़्यादातर बात होती है राजेश जी से जो कि उनके एंड से सीआरएम पूरा मैनेज करते हैं मुफ्ती के एंड से। कैंटाबेल ऑलवेज ऑफर की दुकान, इसके ऑफर बड़े तगड़े होते हैं। बरिस्ता यहाँ खुला था, ये बेचारा बंद हो गया यहाँ पे। फिर अब कैरेट लेन की दुकान खुल गई है। थार 4x2 and 4x4 पेट्रोल वेरिएंट, 8 तक की माइलेज एंड डीजल वेरिएंट 12 से 13, उससे ज़्यादा नहीं। 4x2 ठीक ठाक है, मतलब कि फैमिली टाइप कार भी इसको यूज कर सकते हैं बट ऑफ रेडिंग में नहीं। बट लेकिन अपना अपना नज़रिया है कि 4x2 को किस तरह से यूज़ कर रहे हैं और 4x4 को किस तरह से यूज़ कर रहे हैं। भाई साहब देख रहे हैं
क्या हो गया? टुक-टुक एंड ओल्ड मॉडल के बीच में पैसेंजर को लेके हुआ होगा। अभी एक चीज और लेना है, इलेक्ट्रोलाइट हैंडल की ही भी ठीक है। यार सच मुझे तो वो लेना था, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट लेने के लिए जाना पड़ेगा इधर। सत श्रीकाल मैडम जी, वो इलेक्ट्रोलाइट दी वो दे दो, है क्या इलेक्ट्रोलाइट दा इलेक्ट्रोलाइट ले लिया है। बच्चा कुछ खा दे रहा है ना, गले में दर्द है तो सोचा ले लेता हूँ। ये देखे टैलेंट, जल्दी से रिकवर करे सब। मुझे भी ऑफिस जाना है। सत्या चाची, लो भाई लोग घर पहुंच गया। बच्चू राम को देते हैं। लेटा हुआ है ये, देखिए मोहतरमा घर पे मास्क ये पियो। हाँ बेटा, बिना घी वाला ब्रेड खाया आपने? हेलो, चलिए मिलते हैं फिर। हाँ, टिल देन साइन ऑफ, मम्मा को भी दे देते हैं, फिर मिलते हैं कल। कल देखते हैं कल का क्या सीन है।
हेलमेट खोल दिया जाता है। चलिए टिल देन साइन ऑफ, बाय बाय, टेक केयर सब कुछ। आप लोग भी अपना ख्याल रखें, बाय 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 बाय। ये मेरा छोटा सा घर है।